खाते हो? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत ब्लॉग। में आप सारा स्वागत है। आप लोगों को बहुत जल्दी इंतजार था कि मैं जल्दी से वीडियो अपलोड करती थी, जल्दी तो मैं भी बिना नींद का ध्यान रखे हुए जल्दी जल्दी अपलोड करके डाल रही हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया कि आप जल्दी जल्दी वीडियो डालो दी। तो यहाँ पे छुटकी को देख सकते कैसे इंजॉय कर रही थी, और बहुत सारे लोगों को मेरा लुक लग रहा था कि यार मतलब ऐसे क्यों रखा। तो मेरा ये पहले से ही था कि जब भी मेरी बेटी होगी तो मैं ऐसा उसके बर्थडे में करूँगी, लेकिन भगवान जी ने मेरे को फिर बेटी दे दिया और मैंने अपना ये लुक कर लिया, क्योंकि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही मेरी बेटी चाहिए थी। मतलब मुझे था कि मेरी बेटी हो, तो अभी ऐसा हो गया कि अब मेरा मतलब मोर देन हैप्पी, जो बेटा बेटी है दोनों ही हो गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने जितना बेस्ट पॉसिबल वे था अपनी बेटी के लिए करना, ये डेकोरेशन वगैरह वाले को तो हम लोग गूगल से ढूंढे थे, उसके बाद से जल्दी जल्दी हम बुक किए और जैसा जो था वो अरेंजमेंट्स कराए। यहाँ पे अपनी बेटी को छोटा सा हम पहनाए थे टियारा, और ख़ुद भी पहने हुए थे क्राउन, मतलब कि दोनों का ही क्राउन था छोटा छोटा सा, मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग था, मेरी बेटी का उसके साइज़ के अकॉर्डिंग था। यहाँ कार में देख सकते कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही है, हालाँकि ये कार ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लग गया था हमें यहाँ पे कि मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर मिला। फिर फाइनली ये भैया ने हमें गन दिया, ये हमने नहीं सोचा था कि हम लोग ऐसे पकड़ के जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ प्लान नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद से ये भैया ने बोला कि आप लोग को ये प्रेस करना है जैसे ही हम लोग बोलेंगे, और यहाँ मेरी छुटकी तो आराम से इंजॉय कर रही है। और यहाँ गाना जो बज रहा है ना, वो रियल वॉइस में ही मैं डालूँगी एक बार, तो वो भी आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि ये गाना तो मुझे चाहिए था। तो गाना बजा यहाँ हम लोगों का मस्त वाला, मतलब सिंपल डिसेंट सा, मतलब वो हो गया, एंट्री हो गया, और बहुत ही अच्छा लगा। एंट्री तो अभी बहुत ज़्यादा है, अभी हम लोग थोड़ा बाहर से ही आ रहे थे अंदर, लेकिन अंदर भी बहुत ज़्यादा कुछ हुआ, जो कि आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ मतलब तीन तरीके से एंट्री हुई है, तो वो आप लोग व्लॉग को देखिएगा। तो पहला एंट्री तो आपने ऐसे देख लिया, उसके बाद से क्या हुआ ना कि जो गाना बज रहा था मैंने बोला कि उसको चेंज करने के लिए, और दूसरा जो नाचो नाचो है वो बजाने के लिए। फिर इसी बीच क्या हुआ ना कि भैया रोने लग गए थे, और मेरे को लगा यार क्यों रो रहे हैं, तो फिर पता चला कि थोड़े इमोशनल हो गए थे कि इतनी जल्दी छुटकी बड़ी हो गई। और पता नहीं भैया रोता नहीं तो सब लोग को ऐसे रोना रहता है, तो मम्मी को देख सकते, मम्मी रो रही थी, भाभी भी रोने लगती थी, मैं रोने लग गई थी, मुझे इतना ज़्यादा। पता नहीं जो भी है, फैमिली फैमिली ही होता है, कभी भी कुछ भी हो, फैमिली से बढ़ के कभी कुछ नहीं हो सकता। एक टाइम पे ऐसा होता है ना कि ना पैसा ना कुछ, कभी कभी लगता है साथ चाहिए फैमिली का और सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे भैया तो बैठा रहे थे, एंट्री हुई नहीं थी, अभी कराने थी, फिर मैंने बोला ये इस पर बैठ जाएगी तो ये थोड़ी शांत हो जाएगी। फिर उसके बाद से हम लोगों ने नॉर्मली जो गाना था नाचो नाचो वो सेलेक्ट किया, मैंने बोला कि वो प्ले कर दी, नाचो नाचो में लगाओ, नाचो नाचो प्ले कर दी। बाबू हट जा, तो ठीक है भैया, फट गया, मैं फट गया वहाँ से, याद रखिएगा। अरे उड़ा सब लोग, हर जगह साइड 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 ये लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाना जैसे ही प्ले हुआ, आद्या का डांस आप सब लोग देख सकते हैं, अपना हाथ वेव करने लग गई थी, इतनी खुश हो जाती है ना ये नाचो नाचो पे। ये भी हम लोग कुछ टाइम पहले से सोच रहे थे कि जैसे ही आद्या रोएगी ना हम लोग ये सॉन्ग प्ले करा देंगे। उसके बाद से ये कोल्ड लाइट फायर हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। पापा तो मेरे बोल रहे थे, मेरे ससुर जी, लग रहा है कि तब मेरी बेटी का शादी हो रहा है छुटकी का, ऐसे सारे अरेंजमेंट्स हुए हैं, क्योंकि बर्थडे वगैरह हम लोगों में ऐसे इतना ग्रैंड हम लोग नहीं करते थे कि जैसे एंट्री प्रॉपर ये वो। हाँ हॉल बुक होता है, केक कटिंग वगैरह होता है, डांस वांस होता है, लेकिन ऐसे एंट्री कराना अब ये थोड़ा कॉमन हो रहा है, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं था। तो मेरे पापा जी बोल रहे थे कि लग रहा है कि छुटकी का शादी हो रहा है, इतना ज़्यादा सब लोग जोरों शोरों से लगे हुए हैं। लेकिन वही होता है ना कि हम लोग इतना ज़्यादा लेट हो गए थे कि जितना चाहते थे एंजॉय करना उतना नहीं हुआ, लेकिन गर्मी का भी सीज़न था। यहाँ पे अब इनकी एंट्री होगी दूसरे तरीके से, तो यहाँ आप रियल वॉइस में ही सुनेंगे, वॉइस ओवर नहीं करूँगी, क्योंकि बाहर म्यूज़िक था तो वॉइस ओवर करना पड़ा।
लेकिन यहाँ पे और हम लोग चल रहे थे, लेकिन फिर मैं बोली कि पापा जी को भी लेके आया जाए क्योंकि पापा जी रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हम लोग कर यहाँ पे देख सकते हैं वॉक। हम लोगों ने सोचा था कि इसका फ्रॉक ऐसे है ना कि हम लोग वॉक कराएंगे, और जो छुटकी है ना इसका फ्रॉक एंड मोमेंट पे आया था, ये इंस्टाग्राम के एक पेज से आया था, वो पेज मैं टैग कर दूँगी आपको, उसके लिए इंस्टाग्राम आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हर तरह का कॉम्बो मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी छुटकी कितने प्यार से चल रही है एकदम हाथ पकड़ के। भैया सभी को बैठा दीजिए, आप दो ही लोग सिर्फ आइएगा साथ में, ठीक है सभी को बैठा दीजिए, सिर्फ फैमिली मेंबर रहेगा पांच लोग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सब लोग रहेंगे पांच लोग, चलिए आइए आइए स्लो स्लो आइए, आ जाओ पकड़ो, बाबू साइड हो जाओ साइड हो जाओ, भैया कैमरा ऑटो करा इधर देख, सब लोग बोल रही थे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे थोड़ा इसका फ्रॉक का ले लीजिएगा, अर्णव थोड़ा देर प्राची तो खिला दीजिए ना उधर, होटल का टेबल नहीं लगा हाथ तक ये में छोड़ दो, केक तो कटवा दिया बहुत लेट हो गया, आज के दिन इसका तो मैं नहीं करेगा।
ख्याल रखी। कितना देर कर रही हो गया अनुष्का?